अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरे चैनल जमशेद व्लॉग। आज 3 जनवरी है 2022 और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सेकेंडली ये है कि आज फिर अगेन दोस्तों के साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पिशावरी चपली कबाब खाने जाएंगे, अथेंटिक वाले, वो भी खान बाबा के। सो खान बाबा इज़ अ रेस्टोरेंट इन एक्चुअली इन कैम्ब्रिज। सो अभी सारे दोस्त जो हैं वो एक दोस्त जो है वो सबको पिक कर रहा है रास्ते में, तो वो भी मुझे अभी आके पिक करेंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम राइट नाउ। तो हम मिल्टन से हम लोग कैम्ब्रिज जाएंगे बेसिकली में। तो यहाँ से कोई 30 मिनट्स की ड्राइव पे है रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, आई हैव बीन देयर बिफोर। काफ़ी अथेंटिक जो है वो उनके जो चपली कबाब होते हैं वो है। और यहाँ पे दोबारा से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन अपोज करने वाली है फिर से रिगार्डिंग कैपेसिटी वाइज कि कितने लोग अलाउ होंगे। डाइनिंग वगैरह मोस्ट लाइकली शायद बंद हो जाए। स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने कह दिया है कि इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। तो हम लोग दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए इससे पहले कि वो इसी सारी चीज़ें बंद कर दें, वी शुड गो फॉर डिनर गेट टुगेदर। सो अब बस दोस्तों का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं तो वी विल लीव इंशाल्लाह। इस वक्त ये सारी स्नो है। आज कल टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, अबाउट लाइक -13 के करीब था रात को। टेम्परेचर काफ़ी सर्दी थी कंपेरेटिवली न्यू ईयर नाइट के ऊपर। इट वॉज इन +6 degrees विच इज़ मेरे जब से मैं कनाडा में हूँ तब से मैंने पहली दफ़ा देखा है कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर प्लस में टेम्परेचर हो। इस दफ़ा जो है वो प्लस में था लकीली, लेकिन उसके बाद जैसे ही January 1st का डे शुरू हुआ हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हुई, उसके बाद ओवर नाइट काफ़ी स्नो होती रही एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ स्नो टुडे। आज हमारा जो गार्बेज डे था बेसिकली में, तो या ब्लू और ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं प्लस ब्लैक बॉक्स एक और होता है वो मैंने कल ही अंदर रख लिया है गैराज में। ब्लू फॉर रिसाइकल और ग्रीन फॉर किचन का जो बिन होता है उसके लिए। इस वक्त जो टेम्परेचर है इट्स अबाउट लाइक -8 degrees है विद विंड चिल। इट्स नॉट टू बैड, लास्ट नाइट से तो अच्छा ही है क्योंकि -13 वो काफ़ी ज़्यादा था कंपेरेटिवली, सो -8 इज मच बेटर। मेरे दोस्त आ गए हैं मुझे पिक करने के लिए। उस तरफ से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, रेडी है सारे जी फिर से अगेन? अल्हम्दुलिल्लाह जी सही, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हाल में चलें जी, लेट्स गो। वसीम साहब आ रहे हैं जनाब, कुछ लो और कुछ दो, इसके अंदर वो है। अगर हमने देसी खाना तो हुआ ये सर के हम कैम्ब्रिज जाने का सोच रहे थे खान बाबा रेस्टोरेंट, बाद में पता चला कि वो तो रेस्टोरेंट बंद है और जो है बिकॉज ऑफ न्यू ईयर हॉलीडे, क्योंकि न्यू ईयर थी सैटरडे को थी, तो सैटरडे को पब्लिक हॉलीडे क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड था, तो इस वजह से उसको नहीं कंसिडर किया था गवर्नमेंट ने, उसको मंडे को रखा। तो पता चला जी कि वो बंद है, हम उसको रिजर्वेशन करवाने लगे थे। अच्छा हुआ कि हम कैम्ब्रिज के लिए नहीं निकले। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, अभी इसको हम डिसाइड करते हैं। घर चले जाओ यार, लेट्स गो टू मंदिया फंदी, लेट्स गो टू मंदिया फंदी। भाई जमाल भाई से भी पूछ ले, उसकी वजह ये है कि खास तौर पे जमाल भाई का दिल कर रहा था वहाँ पे जाने के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि यार अब जमाल साहब को बताना पड़ेगा कि वो तो जमाल भाई। और उसका पॉइंट वैलिड था कि हमने लास्ट टाइम भी टर्किश फूड ही खाया था जी जनाब, यानी इसलिए मैंने भी कहा था खान बाबा चलते, लेकिन अब खान बाबा जनाब बंद है। घर वालों को बताना पड़ेगा जिनको ये बता के आए हैं कि चपली कबाब खाना। बेगम कहती है यार तुम लोग 7 बजे जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम 8-9 बजे तक वापसी कर रहे हो, तो इसका मतलब हमारा फूड ले आना फिर ना। तो यही हुआ है, यही हुआ है ना। हाँ जी, घर पे खाना नहीं बनता, क्या ख्याल है? लेके जाने कैसे मिली है मुझे, छुट्टी कैसे मिली है मुझे? हाँ तो फिर मैंने भी सब अपने अपनी छुट्टी को रो रहे हैं। बेगम पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, और आपने बेगम को मैसेज भी कर दिया राइट अवे। हां तो जब जा ही नहीं रहे तो बता दें उसको भाई। सही है, चलिए हम जमाल को पिक करने के लिए आ गए हैं जी। अच्छे लाला बस, अच्छे
तो हम कहाँ जा रहे हैं जनाब? जमाल खान बाबा तो बंद है। अच्छा, तो फिर वहीं चलो ना। अभी हमारे हमारे ऑप्शंस में ये है कि मंदी भी खा सकते हैं। मंदी फंदी चलते हैं। अच्छा, मंदी फंदी। मंदी यार बहुत रेस्टोरेंट बंद हो गए, ये पहले चेक करके जाना जहाँ भी जाना। मंदी फंदी वो डिक्सी वाले प्लाजा में मंदी। कढ़ाई बॉयज भी जा सकते हैं। ये जो टी फॉर वो कह रहा है वो भी है, लेकिन मैं वैसे कहूंगा वहाँ रहने दे। हाँ जी, लस्को तो मंदी है। टी वाला जो है ना वो बाद में। ईस्ट टी कैन जो है ना वो रहने दे। इट्स सेम लाइक नफीसा। तो लस्को तो नफीसा को तो मैं रहने लाऊंगा। क्या खाना मैं लेके आऊंगा तुम्हें? शुक्र, हम सारे ये कह के आए हैं। कार चले जाने सारे अपने अपने। यार बताओ भाई, जमाल मंदी मंदी चेक करना है इमरान जरा। ओके गाइड, एडमिन चेक करें जी। गाइड बंद क्यों है भाई? मंडे बंद होता है वो एक्चुअली। नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो चलो चल के एक एक मिनट से कॉफी पी के वापस आ जाते हैं। ऑप्शन दिए है यार। हाँ बिल्कुल। हाँ ज्यादा होगा तो फिश बर्गर भाई। आप खालिद भाई, आप खालिद भाई, आप हमें इतना क्लियरली बता रहे हो किन दोस्तों से खराब करना चाहिए। स्पेशल इमरान भाई को सी ऑफ करने के लिए हम मंदी फंदी जा रहे हैं, तो जरा मंदी एंजॉय कर लें। फिर तो इन्होंने जाके वहाँ पे कढ़ाइयां एंजॉय करनी है। ठीक है, अकेले अकेले इमरान भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी इंशाल्लाह। यार वो अमेज़न वाले बंदे का बड़ा काम चल रहा है, वही जो डिक्सी वाला। हाँ वो लेने लग रही होगी। उस बंदे ने अब सिर्फ अंदर चलने की जगह है, बाकी उसने हर जगह पे वो लगा दिए। अब हम फाइनली मिसेस आगा डिक्सी एंड इंग्लैंडन के इंटरसेक्शन पे आए, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मंदी अफंदी। वो है आई नो इस आपको ये रहा मंदी अफंदी, तो अब हम उसको ट्राई करेंगे फाइनली। ये जो मार्केट है इसमें सारे है मोस्टली रेस्टोरेंट है। बड़ी पुरानी मार्केट है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर खाने वाला भी है सिस्टम, हम पूछ रहे हैं कि यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। इसे रहना होगा रहना होगा। शूज उतार के बैठने पड़ेंगे ना यार? कैसे बैठोगे? बैठना वैसे ही बैठे उससे पूछ लेना फिर के भाई तो नहीं है ना, और सूप उसको का यार दे दे। नहीं, मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम इसमें। मैंने ये प्लेटर हैव यू व्हाट यू ऑर्डरिंग? 6 ओके, एंड अनदर प्लेट ऑफ मक्खन। So the platter comes
देखो ना ये मटन है, चिकन चिकन दो तरह की, ये दो तीन तरह की चीजें हैं मेरे लग रहा है इसमें। ये लैम लिया है, चिकन है, राइस, लेट्स ईट। खाना हम लोगों ने खा लिया, खाना बड़ा ज़बरदस्त था। एक्चुअली में चावल, तीन किस्म के चिकन थे, दो किस्म का लैम था, वाज वेरी नाइस। खाना काफ़ी अच्छा था, सेटिंग में काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे ग्रीन कलर के खाने वाला, तो अब जो है वो डिज़र्ट के बारे में हम खाना मुनाफा आएगा, उसको हम खाएंगे। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, जिसमें सेकंड टाइम एक्चुअली कलिफा में टेकआउट किया गया था और अब सेकंड टाइम मैं डाइन इन करने गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहले से रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, वापस वगैरह से चीज़ें बंद हो रही हैं, तो ऐसे हमने सोचा कि इससे पहले पहले जो है वो हम एक डिनर दोस्तों का एक कर लें। खाना हम लोगों ने खा लिया, काफ़ी वाज रियली फन। अब हम लोग घर की तरफ वापस हैं, इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में।